चैनल रवि बारटेंडर लाइफ। सो आज का टॉपिक है कि क्या हमें होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, होटल मैनेजमेंट करना चाहिए आफ्टर 10th और 12th। बिकॉज ये रीज़न मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं और बहुत ऐसे न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट में अपना एडमिशन करवाने वाले हैं या फिर करवा चुके हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब आप देख ध्यान दो, अगर आप 10th या 12th के बाद होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाह रहे हो, सो होटल मैनेजमेंट में अपना नॉर्मल स्कूल लाइफ में ही देख लो, 10th मान लो 12th आपने कंप्लीट कर लिया है, मान लो कि आपके क्लास में 12th में अबव 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 से कम स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें टॉपर्स कौन होते हैं? 1st, 2nd एंड 3rd, इनके अलावा कोई होता है? वही अपने 4th, 5th, बाकी के मतलब आपको वही दो चार लोग, 10 लोग, बाकी के लोग कहाँ चले जाते हैं? बाकी के लोग वैसा ही, अपना एक होटल इंडस्ट्री भी सेम है, आपका लाइफ होटल इंडस्ट्री का मतलब इंटर्नशिप करने के बाद ही ख़त्म। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आगे करियर्स नहीं है, मैं सिर्फ डिसएडवांटेजेस यहाँ बताने वाला हूँ, एडवांटेजेस मैं अपने अगले वीडियो में दिखा दूंगा। सो होता क्या है, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है ये ड्यूटी आवर्स। मतलब होता क्या है ना कि ड्यूटी आवर्स 18 आवर्स 12 आवर्स 15 आवर्स 14 आवर्स, मिनिमम 12 आवर्स से ज़्यादा ही हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग काम छोड़ ही देते हैं। उससे भी बड़ा एक रीज़न है, 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद भी सैलरी कम, ये सबसे बड़ा रीज़न है उन लोग। क्योंकि जो भी होटल मैनेजमेंट में जाता है, सबसे पहले आप क्या सोचते हो, होटल मैनेजमेंट में आप क्यों जाना चाहते हो? मेरे को पता नहीं कि आप क्या सोचते हो, बट मैं एक छोटा सा एक रीज़न बताता हूँ जो आई थिंक बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था, ऐसा नहीं है। होता क्या, लोग देखते हैं कि मेरा फ्रेंड है होटल मैनेजमेंट कर रहा है, इतना बड़ा होटल में काम कर रहा है, उसको इतना मतलब कोट पहन रहा है, शर्ट पहन रहा है, बड़े बड़े होटल्स में जा रहा है, ये लाइफ है, इतना खूबसूरत दुनिया है, यहाँ पे अल्कोहल है और भी बहुत कुछ, मतलब मोह माया है भाई, सब चकाचौंध देख के आप वहाँ पे फंस जाते हो। होटल मैनेजमेंट में सिर्फ तभी जाओ जब आपको सच में होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पता हो और आपको थोड़ा सा भी जानकारी, हाँ ऑब्वियसली बात है कि आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप उस फील्ड में नहीं हो, बट एक होता है ना अपना पैशन, अब मान लो आप सिंगर बनना चाहते हो तो क्या आप होटल मैनेजमेंट करने जाओगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे, कि आप अपना कुछ भी म्यूजिक में करियर बनाने जाओगे? सो आप पहले आप खुद देखो कि आप खुद क्या करना चाहते हो, आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है या फिर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको डॉक्टरीज में जाना है या फिर सिंगिंग लाइन में जाना है, एक्टिंग में जाना है, जस्ट मतलब पहले अपने आप को देखो कि आप होटल लाइन में क्यों जाना चाहते हो। होटल लाइन क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री है, सीधा सीधा बोलूँ तो आप होटल मैनेजमेंट बनने के बाद से अगर आप FMB डिपार्टमेंट में, FMB सर्विस डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, सर्वर लेकर घूमना पड़ेगा, ड्रिंक सर्व करना पड़ेगा, सीधे सीधे बाद में बोलूँ तो वेटर का काम करना पड़ेगा आपको, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, फ्रंट ऑफिस हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, अपना किचन में शेफ का काम हो गया, इजीली बोल रहा हूँ, तो ये सब बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लड़के इसलिए काम छोड़ देते हैं क्योंकि 14 घंटे 15 घंटे कौन काम करेगा बॉस, कम से कम लोग 12 घंटे काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, आप 12 घंटे काम कर सकते हो खड़े खड़े तो करो, होटल इंडस्ट्री आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि इसमें करियर नहीं है, करियर के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन से यहाँ पे लोग मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। बट अगर आप सिर्फ ये देख के जा रहे हो कि इतना खूबसूरत है, मैं जाऊंगा, मुझे इतना बड़ा पोजीशन मिल जाएगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो भाई भ्रम में हो एकदम, और कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारे साथ, आप जाके वही करोगे। होटल इंडस्ट्री में आने से आपको बहुत फ़ायदे से, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे नहीं हैं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैं अभी भी नॉर्मल लेवल पे हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ में स्टार्ट किए थे वो मतलब हायर पे चले जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। और मैं अपने सीनियर्स को भी मैंने देखा है, वो भी एक दिन मतलब वही सर्वर ही थे, सर्वर उठा रहे थे, और आज के डेट में वो कहीं पे बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो लोग कुछ कुछ तो मैनेजर्स हैं, कुछ कुछ लोग तो बहुत आगे जा चुके हैं, ये मैनेजर्स GM और भी बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी वो मतलब देखा है, तभी वो उतने ऊपर गए हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये बुरा नहीं है, बट पहले आप खुद को देखो कि आप होटल मैनेजमेंट में क्यों जाना चाहते हो, अगर आपको वो सच में पसंद है, आप उसमें जाके काम करना चाहते हो, सो तभी जाओ।
अगर आपने देख लिया है कि इतना बहुत सारे मतलब खूबसूरत खूबसूरत जगह देखूंगा, दुबई में जाके काम करूंगा, अमेरिका में जाके काम करूंगा, वहाँ पे मुझे अब्रॉड में काम करने का मौका मिलेगा, तो भाई वो सब ठीक है, आपको अब्रॉड में काम करने का मौका मिलेगा, मगर कब तक करोगे आप? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देके आप एक कोर्स करते हो, और कोर्स करने के बाद से आपका सैलरी वही स्टार्टिंग होगा, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, इससे ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक। ऐसा नहीं कि हाई सैलरीज नहीं है, सैलरीज है, मगर स्टार्टिंग क्या होगा? आप मतलब लोग छोड़ क्यों देते हैं? 3 लाख रुपए दे के कोर्स किया और पहले ही महीने में 4 हज़ार रुपये महीने आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा तो उम्मीद टूटेगा ही भाई। सो अब ये मत सोचना कि होटल मैनेजमेंट किया और सीधा जाके मैनेजर का पोस्ट ले लिया और मैनेजर बन गया, तो ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला नहीं है। सो पहले आप खुद अपने आप को देखो कि आप होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो, आपको सच में उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पसंद है? अगर आप वो काम कर सकते हो, 10-12 घंटे के ऊपर काम कर सकते हो, जगह जगह अगर आपको रिलोकेट करना पड़े तो अगर आप कर सकते हो, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट दोनों में काम करना पड़े अगर आप कर सकते हो, कम सैलरी में भी काम करना पड़ जाए अगर तो करना कर सकते हो, तो ही आप होटल इंडस्ट्री में जाओ, वरना मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा खुद बता रहा हूँ, मैंने ऐसे डिप्लोमा किया है, मैंने कोई डिग्री विग्री की नहीं है, 3 साल 4 साल का जो होता है, मैंने एफएमबी सर्विस में डिप्लोमा किया था, मेरा फर्स्ट सैलरी था। सारे होटेलियर्स छोड़ देते हैं, तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में आ रहे हो तो भाई माइंड सेट करके आओ कि आपको 10-12 घंटे मिनिमम काम करना ही होगा, अदरवाइज नो करियर, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, आप मतलब 3 साल अपना होटल मतलब कॉलेज में ही बिता दोगे, ओडीसी को ओडीसी करके अपना लाइफ 3 साल निकल गया वहीं पे, चौथे साल पे जब जॉब पे जाओगे तो 4 महीने 6 महीने काम करोगे, उसके बाद से फिर घर पे बैठ जाओगे, सारा 3 लाख 4 लाख आपका रहने का खाने का जो भी पैसा सब डूब जाएगा। सो भाई मेरे अगर आना है माइंड सेट करो, उसके बाद ही आप चले। तब तक के लिए ये वीडियो मतलब ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं आपका आपको एक नए वीडियो में, नए वीडियो में आपको एडवांटेजेस भी बता दूंगा, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।